झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने जेएमएम छोड़ने के संकेत दिए हैं। दिल्ली दौरे पर चल रहे चंपाई आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और इधर जेएमएम की तरफ से भी इन्हें मनाने का दौर जारी है। कई मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता और कुछ अधिकारी चंपाई से संपर्क साधने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन चंपाई की नाराजगी कम होती नहीं दिख रही है। पार्टी में अनदेखी अपमान वो अपने एक्स पोस्ट से जाहिर कर चुके हैं। चंपाई को नाराजगी हेमंत सोरेन के साथ साथ कल्पना सोरेन के रवैये से भी है। जेएमएम को अलविदा कहना लगभग पक्का है और ऐसे में कोल्हान टाइगर की जगह की भरपाई जेएमएम के लिए आसान नहीं नजर आ रही है। चंपाई की जमशेदपुर समेत कोल्हान क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, खासकर अगर बात करें तो पोटका, घाटशिला और बहरागोड़ा, ईचागर्क, सरायकेला, खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत जनाधार है। कोल्हान के विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर महज 10 से 20 हजार तक ही होता है। फिलहाल जिन जेएमएम विधायकों के चंपाई सोरेन के साथ बगावत की खबरें आ रही थी, उन्होंने जेएमएम छोड़ने का खंडन किया, लेकिन सियासत में समीकरण पल पल बदलते हैं। कुल मिलाकर झारखंड की राजनीति में अभी बहुत रोमांच देखने को मिलने वाला है। जमशेदपुर से हमारे साथ संवाददाता प्रभात जुड़ रहे हैं। प्रभात से एक बार रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। प्रभात, आपका रुख इसलिए क्योंकि कोल्हान टाइगर के नाम से वो विख्यात है और अपनी राजनीति से उन्होंने लोगों को हमेशा प्रेरणा दी है। और देखिए, उनके पोस्ट में इस बात का भी जिक्र था कि वो उस पार्टी से बगावत नहीं कर रहे, लेकिन जो उनके साथ अपमानित किया गया, जो उनका दर्द था वो अलग था। लेकिन अगर ऐसा होता है, क्योंकि अभी वो दिल्ली में टिके हुए हैं, और ऐसा अगर हुआ तो कोल्हान टाइगर की भरपाई क्या INDIA कर पाएगा? सीधा सवाल। देखिए सुष्मिता, आपने सही कहा कि वो अभी दिल्ली में टिके हुए हैं और ये बात सही है कि INDIA गठबंधन उनकी भरपाई नहीं कर पाता है अगर वो दूसरे पार्टी में, दूसरे दल में जाते हैं। निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर गुरुजी के बाद अगर कोई कद था तो वो चंपाई सोरेन का था और उन्हें कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्होंने सींचा है। तो कहीं ना कहीं वो पार्टी से बगावत नहीं करे, लेकिन पार्टी का जो सोच थी, जिस तरीके से वो अपने एक्स पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें लिखी है, कहीं ना कहीं उन्हें अपमानित किया गया, वो काफ़ी दुखित थे, वो साफ दर्शाता है जिस तरीके से उन्होंने कल अपने एक्स पर पूरी बातें लिखी और एक्स से जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी का जो तीर कमान है या झंडा है वो हटा दिया। निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा में जो 14 के 14 सीटें हैं कोल्हान में, उस पर तो असर देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि अभी राजनीतिक में पल पल करवटें बदलती हैं, कल क्या होगा क्या नहीं होगा वो कोई जानता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी कल सुबह से ही कयास लगाया जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई और विधायक भी उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन सारे विधायकों ने इसे खारिज कर दिया, चाहे वो समीर मोहंती की बात करें या संजीव सदार की बात करें या फिर घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन की बात करें या फिर ईचागढ़ की विधायिका सविता महतो है, वो है, चाहे दशरथ गगई, सारे लोगों ने इसे खंडन किया है कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। लेकिन चंपाई सोरेन का कद कोल्हान में काफी मजबूत है। अब ये देखना है कि दिल्ली में टिके हुए हैं, उनका अगला रुख क्या होगा। जिस तरीके से उन्होंने तीन बातें रखी है, या फिर मैं संन्यास लूँ, या फिर नई पार्टी का गठन करूँ, या फिर जो नए साथी है उनके साथ जाऊँ, तो अब ये देखना है दो दिनों में क्या राजनीतिक करवटें बदलती है। लेकिन अगर हम कोल्हान की बात करें तो जैसे जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने भी कहा कि अभी देखिए तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, क्योंकि उनका साफ कहना था कि भाजपा में भी काफ़ी आदिवासी नेता हैं, वो कहाँ जाएंगे, अभी देखिए किस तरीके से भूचाल मचेगा। वहीं अगर पूर्वी के विधायक सरजू राय की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है तो आग लगी है तो धुआं उठेगा ही, लेकिन चंपाई सोरेन एक कद्दावर नेता है, बड़े नेता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनका एक औहदा था। लेकिन अब देखिए राजनीतिक में क्या क्या करवटें बदलती हैं, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये कह सकते हैं सुष्मिता कि जो 14 सीट है कोल्हान की, पिछले बार उसमें एक भी सीट नहीं आया था, क्योंकि उनका कद बहुत मजबूत है और लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से जो जोभा मांझी है वहाँ की सांसद बनी गीता कोड़ा, वहाँ से पहले सांसद रहा करती थी, तो कद लोग जानते हैं कि चंपाई सोरेन का कोल्हान में कितना मजबूत
दावेदारी है और कितना मजबूत पकड़ है। तो अब ये देखना है कि एक दो दिनों में क्या राजनीतिक करोटे बदलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमशेदपुर क्या पूरे कोल्हान में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर चंपाई सोरेन पार्टी छोड़ते हैं तो आगे क्या होगा। जी सर बिल्कुल प्रभात, एक तरफ चंपाई सोरेन पोस्ट के जरिए ये कह रहे हैं कि उनके लिए कई विकल्प खुले हुए हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष अभी से ही उन्हें एनडीए में स्वागत कर रहे हैं। आप देखिए क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।